तो आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप ब्लॉगर में अलग अलग तरह के पेजेस जैसे कि अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस पेजेस या फिर प्राइवेसी पॉलिसी के पेजेस हो गए या फिर डिस्क्लेमर के पेजेस हो गए, ये किस तरह से आप बना सकते हैं। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि आपको ब्लॉगर के लिए कौन कौन से पेजेस बनाने चाहिए। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने तीनों ही वेबसाइट द बायोटेक वर्ल्ड है उसके भी नीचे में जो आप देख सकते हैं यही सारे चारों पेजेस बना के रखे हैं और आत्मजीवनी के भी नीचे मैंने वही पेजेस बना के रखे हैं और सेम मैंने ऑनटेक के नीचे भी वही सारे पेजेस बना के रखे हैं। तो आपको ये पेजेस कैसे बनाने हैं मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरह से ये सारे पेजेस को बना सकते हैं फ्री में बिना लॉगिन किए किसी साइट्स पे। तो एकदम वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा और लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो आप इस साइट पे आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखा है क्रिएट अबाउट अस पेज। अगर आपको अबाउट अस पेज क्रिएट करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है उस पे आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपको वो इस तरह के एक साइट पे ले आएगा और यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपके वेबसाइट का नाम पूछा जाएगा। तो जैसे कि मान लीजिए मैं ऑनटेक के लिए बना रहा हूँ तो वेबसाइट का नाम ऑनटेक ही है तो मैंने ये रख दिया। उसके बाद क्या है, वेबसाइट का यूआरएल पूछा जाएगा तो यूआरएल आपको अपने साइट पे जाके इसे कॉपी करके वापस यहाँ पे पेस्ट कर देना है। फिर आपको ईमेल एड्रेस पूछा जाएगा तो मेरा जो ऑनटेक का ईमेल एड्रेस है मैं वहाँ डाल दे रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली जनरेट पे क्लिक करना है और आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा उसका HTML दिख जाएगा और यहाँ पे आपको क्लिक टू कॉपी का एक ऑप्शन दे रहा है तो आपको यहाँ पे क्लिक टू कॉपी का ऑप्शन पे क्लिक करना है तो ये सारे टेक्स्ट जो होंगे HTML कोड वो कॉपी हो जाएगा। और आपको सिंपली क्या करना है, अपने ब्लॉगर में जाना है। इसके बाद ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आने के बाद आपको यहाँ से पेजेस पे क्लिक करना है। पेजेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं सारे पेजेस बने हुए हैं, मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे न्यू पेजेस पे आके आपको क्लिक करना है। पेजेस के अंदर में न्यू पेज पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको टाइटल पेज, अभी मैं क्या बना रहा हूँ, अबाउट अस का पेज बना रहा हूँ तो आपको यहाँ पे अबाउट अस लिख सकते हैं या फिर अबाउट, यहाँ पे आप अबाउट अस लिख दीजिए टाइटल में। उसके बाद आपने जो कॉपी किया था उसे यहाँ डायरेक्टली पेस्ट नहीं करना है, आपको क्या करना है, जो पेंसिल का एडिट का ऑप्शन दिया इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको HTML व्यू में स्विच करना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी कोड दिख रहा है उसको ऑल सेलेक्ट करके इसको रिप्ले डिलीट कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपने कॉपी किया था उसे यहाँ सिंपली यहाँ पे क्या करना है, आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको बस से उस एडिट वाले बटन पे क्लिक कीजिए, इसे कंपोज व्यू में स्विच कीजिए। उसके बाद स्विच करने के बाद आपको कुछ ऐसा अबाउट अस का पेज दिखेगा। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपको जैसा कस्टमाइज करना है इसका, मान लीजिए फॉन्ट का साइज थोड़ा बड़ा करना है तो आप ऐसे करके बड़ा कर दे सकते हैं या फिर सबको जस्टिफाई करना है तो जस्टिफाई कर लीजिए। बाकी का जो एडिटिंग पोर्शन है आप, मुझे लगता है आप कर लेंगे। इसके बाद इसको पब्लिश करना होता है लेकिन मेरा तो ऑलरेडी पेज बना हुआ है तो मैं इसे पब्लिश नहीं करूँगा। और इस जो सर्च डिस्क्रिप्शन जो ऑप्शन है इसमें आप डाल सकते हैं अबाउट, जो आपके साइट का नाम है वो डाल दीजिए, जैसे कि अबाउट ऑनटेक, ऐसे बहुत सारे जो कीवर्ड्स है यहाँ पे आपको डाल देना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ से पब्लिश कर देना है। अगर आपको कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म चाहिए तो उसके लिए आपको कोई पेज बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्या होता है, ब्लॉगर में जो ये आप सेकंड वाला देख रहे हैं ना कॉन्टेक्ट अस, इसके लिए सेकंड ब्लॉगर में ऑलरेडी ऑप्शन दिया हुआ है। तो एक कॉन्टेक्ट अस का पेज को ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, वापस से आपको ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आना है, वहाँ से आपको लेआउट पे क्लिक करना है। लेआउट पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आपके जो थीम होगी उसमें जहाँ भी ऐसा एड ए विजेट का ऑप्शन होगा उस पर आपको क्लिक करना है। मेरा यहीं पे है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो एड ए विजेट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्या करना, नीचे स्क्रॉल करना है, जो ऑप्शन आ रहे हैं उसमें से आपको नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे आपको दिख जाएगा एड सॉरी कॉन्टेक्ट फॉर्म, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इसका नाम जो है बाय डिफॉल्ट कॉन्टेक्ट फॉर्म आ जाएगा, तो अगर आप इसका नाम दूसरा रखना चाहते हैं तो दूसरा भी रख सकते हैं या फिर जो है उसी वही रहने दीजिए। और यहाँ पे आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। तो ये वाला जो है अभी देख दिखा देता हूँ ये कहाँ एक्चुअली अपेयर होगा,
एक्चुअली ये क्या होगा, सर्च बॉक्स जो है मेरा लगा हुआ इसके ऊपर आएगा, तो मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्टेक्ट फॉर्म बहुत ही सुंदर सा एक आ गया है। ये कॉन्टेक्ट फॉर्म क्या है, बाय डिफॉल्ट होता है, तो ये आप सिंपली ब्लॉगर से ही ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा कॉन्टेक्ट फॉर्म चाहिए तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं कि हाँ मुझे इस तरह के कॉन्टेक्ट फॉर्म चाहिए। तो मैं श्योर ट्राई करूँगा कि इसके ऊपर भी एक ट्यूटोरियल बनाओ। तो उसके बाद है कि अगर दूसरे पेज की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि प्राइवेसी पॉलिसी पेज, तो सेम इसमें भी आपको वही सब करना है जो मैंने पहले बताया। आपको यहाँ पे लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद आप इस तरह के साइट पे आ जाएंगे। इस साइट पे आने के बाद यहाँ पे आपके कंपनी का नाम पूछा जा रहा है, यानी कि आप वेबसाइट का नाम लिख सकते हैं। तो मैं ऑनटेक के लिए बना रहा हूँ, तो ऑनटेक यहाँ लिख देता हूँ, और वेबसाइट का नाम भी वही है, तो मैं दोनों में सेम चीज़ें ही लिख देता हूँ। ठीक है, आपका जो वेबसाइट का नाम होगा वो आप लिख देंगे। फिर यहाँ से आपको फिर से URL पूछा है, तो मैं यहाँ से URL कॉपी कर लेता हूँ और वहाँ पर वापस जाके एंटर पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से कुछ कुछ सवाल पूछे जाएंगे, डू यू यूज़ कुकीज़ ऑन योर वेबसाइट। तो ब्लॉगर में कुकीज़ का इस्तेमाल नहीं होता है, तो अगर आप कस्टम डोमेन रे रखे हैं या फिर कस्टम होस्टिंग है तो आप येस भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा नो है। ठीक है, गूगल एडसेंस है मेरे पे, तो यहाँ पे मैं येस कर देता हूँ, और मैं थर्ड पार्टी से एड्स नहीं दिखाता, तो मैं यहाँ नो कर देता हूँ। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको कंट्री सेलेक्ट करना है। कंट्री में मैं इंडिया से हूँ, तो इंडिया यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे स्टेट में मैं आसाम से हूँ, तो आसाम सेलेक्ट कर देता हूँ, और यहाँ फिर मैं वेबसाइट का जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से डिटेल्स यहाँ पे डाल देंगे, और यहाँ पे फिर लिखा है जनरेट माई प्राइवेसी पॉलिसी, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये क्या होगा, एक ही क्लिक में यहाँ पर जनरेट हो गया। तो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एक HTML में नीचे वाला पोर्शन जो कॉपी टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड है इसमें आ गया। तो यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए और ये सारा टेक्स्ट कॉपी होगा, और इसको आप फिर से ब्लॉगर में डालने के लिए सिंपली वही करना है। आपको ब्लॉगर डैशबोर्ड में जाना है, पेजेस में जाना है, यहाँ से न्यू पेज पर क्लिक करना है, और यहाँ पर इसका टाइटल दे देना है प्राइवेसी प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, और आपको क्या करना है, वापस यहाँ पर डायरेक्टली पेस्ट नहीं करना है, सिंपली इस पेंसिल वाले एडिट ऑप्शन पे जाना है, HTML व्यू में जाना है, यहाँ जो भी कोड होगा उसको डिलीट करना है, आपने जो कॉपी किया उसे पेस्ट करना है, वापस इसको कंपोज व्यू में लाना है, और अब यहाँ से आपको जैसा एडिट करना है उसे आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सर्च डिस्क्रिप्शन डालिए और पब्लिश कर दीजिए। तो ये हो गया आपका प्राइवेसी पॉलिसी का पेज। अब आता है कि आप डिस्क्लेमर का पेज कैसे बनाएंगे। तो सिंपल सेम स्टेप आपको फॉलो करने हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे सेम चीज़ आपको रिपीट करना है, कंपनी का नाम लिखना है, और फिर वेबसाइट का नाम लिखना है, फिर वेबसाइट URL देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपसे कंट्री पूछा जाएगा, आपका स्टेट पूछा जाएगा, फिर ईमेल आईडी पूछा जाएगा। उसके बाद सिंपली जो पहले जैसा आया था वैसा ही होगा। पेजेस पे आके न्यू पेज पे क्लिक करके उस पर टाइटल में डिस्क्लेमर लिख के जो HTML व्यू में जितना आपने कॉपी किया था उसे पेस्ट कर दीजिए, वापस कंपोज व्यू में आइए, उसे एडिट कीजिए, उसे पब्लिश कर लीजिए। तो इस तरह से आप सारे पेजेस बना सकते हैं।